भगवान बड़े बड़े यहाँ भगवान की परमिशन यहाँ इस रास्ते से आए हो। एक रास्ता ये आने जाने का है, ये सामने जो रास्ता है ये रास्ते का नाम बोला जाता है चोर रास्ता। भगवान का जन्म काम का मथुरा में उनके पिता वसुदेव ने यमुना नदी को पार करके इसी रास्ते से कृष्ण को यहाँ गोकुल में छुपा के गए और यहाँ से चोरी छुपे योग माया को वापिस लेके गए। ये रास्ते का नाम हो गया चोर रास्ता। ये सामने नंद बाबा के टाइम की गौशाला है। पहले नंद बाबा के समय में गोकुल में ऐसे ही गाय चरती थी। पहले कितनी गाय थी? 9 लाख गाय। आज कलयुग में 9 लाख गाय नहीं है। आज भी बोले यहाँ गोकुल में हजारों गौ वास करें। हमारे ब्रज में बोला जाए मथुरा की लड़की गोकुल की गाय करम भाग्य फूटे तो बाहर गाँव जाए। बोले मथुरा में आज भी लड़कियों की शादी मथुरा में की जाती है, बाहर नहीं होती। गोकुल की गाय होए उन गायों की बिक्री नहीं होए। किसी ब्रजवासी के पास गऊ को खाने पिलाने के लिए नहीं होता है तो गोकुल की गौशाला में गाय को छोड़ जाते। तो यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, ठाकुर जी को दान करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के जाते हैं। प्रभु नहीं खाता है, आप अपने घर में लगाओ ठाकुर जी को भोग, वहाँ भी नहीं खाएंगे, यहाँ लगाओ तो भी नहीं खाएं। खाने वाली कौन है? ये हजारों गऊ, हजारों मंदिर है और हजारों ठाकुर जी की यहाँ ब्राह्मणों की सेवा चलती है, हजारों संतों का पालन होता है। यहाँ टंकी लगाए हाथ धो के चलना है क्योंकि ठाकुर जी के झूले का दर्शन है। और बोले राज दरबार, गुरु दरबार, देव दरबार खाली नहीं जाए। जिनको ठाकुर जी को चढ़ाने को फूल माला हार चाहिए, एक जगह से फूल माला मिले, यही अपने हाथों से ठाकुर जी के पग चरणों पे माला चढ़ाने को मिले, झूला झुलाने को मिले, चरण छूने को मिले। जोड़े से हो तो जोड़े के बीच में फूल माला एक ही लेना, अलग नहीं लेना। पति पत्नी है तो एक साथ ही चलना, ऐसा नहीं पत्नी सन में और पति बन में, एक साथ बैठना, एक साथ ठाकुर जी का झूला झुलाना। बोलो राधा रानी की जय। सब लोग पहले यहाँ से हाथ धो, और जिनको फूल माला चाहिए एक जगह से फूल माला मिलेगा, फिर यहाँ से सब